मुंबई के कारोबारी अयोध्या में इन दिनों राम टोपी बांट रहे हैं। राम टोपी की क्या खासियत है और क्यों बांट रहे हैं वो, उनसे इसी बारे में बातचीत की हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला ने। अयोध्या में 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है और इस मौके पर देश विदेश से अलग अलग जगहों से श्रद्धालु यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि हर श्रद्धालु अपनी क्षमता के मुताबिक जो राम जी से जुड़ी हुई चीज़ हैं उसको पहुंचाने के अयोध्या में कोशिश कर रहा है। आपने कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से सीतामढ़ी से जो है वो ट्रकों में भरकर लोग सामान लेकर आए हैं। आज आप ये देखिए, ये मुंबई के कारोबारी हैं अशोक अग्रवाल। वो अपना कारोबार एक साल के लिए उन्होंने कारोबार से छोड़ के और फिर वो इस तरीके से श्री राम की टोपी एक कैप बनाने में लगा दिया साल भर। अशोक अग्रवाल जी हमारे साथ में हैं। अशोक जी, कारोबारी हैं आप, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है जी, उसको छोड़ के फिर कहाँ आप टोपी बनाने के लिए यहाँ पे आ गए? आप मालूम नहीं, मेरे को ऐसा लगता है ठाकुर जी ने मेरे को इस काम के लिए चुना है। अच्छा। हाँ, मैं ये काम पैसे के लिए नहीं किया हूँ। हाँ। मेरे को ऐसा लगा कि जैसे गिलहरी अपनी सेवा की थी राम सेतु बंधन में, हाँ, वैसे मेरी ये सेवा है कि मैं राम जी का प्रचार सूक्ष्म रूप से, अज्ञात रूप से भी अगर करूँगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अच्छा। तो फिर मैंने इसके पीछे बहुत टाइम लगाया। इस कैप में सर क्या खास बात है, मतलब ये भगवान श्री राम? देखिए, ये जो कैप है इसका, इसके बनाने का एक ही कारण है कि एक तो ये पूरे इसमें देखिए चारों तरफ राम राम लिखा हुआ है, अंदर बाहर कहीं से भी आप देखेंगे तो राम राम लिखा हुआ है। ये एक तरीके से ना आपका रक्षा कवच है। अच्छा। जब आप इसको पहनते हैं पूजा में या बाहर फ्लाइट में ट्रेन में तो राम जी आपकी रक्षा करते हैं, ऐसा मेरा सोच है। हो सकता है आप इसको कुछ भी तरीके से भावनात्मक ले सकते हैं। दूसरा, जब आप ये पहन करके बाहर जाते हैं, जैसे आप फ्लाइट में जा रहे हैं और आपको 500 लोगों ने अगर देखा है और वो बोलते हैं जय श्री राम, देख करके उनके मन में जरूर आएगा कि जय श्री राम बोला है मैंने। अच्छा। तो इससे आपको एक अज्ञात स्वीकृति मिलती है, ठाकुर जी का वरदान, आपको एक आशीर्वाद मिलता है। तो ये हमारी सोच है इसके पीछे। अच्छा। और सोच हमारी ये है कि ये आपको आघात से बचाता है, कहीं पे भी आपको रास्ते में या कहीं पे भी आप जा रहे हैं तो आपके ऊपर आघात नहीं आ सकता है। तो ये भक्ति है, श्रद्धालुओं की भक्ति है कि वो एक अच्छी सोच के साथ में एक श्रद्धापूर्ण भाव से अयोध्या में अपने अपने क्षमता के मुताबिक यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लोगों को दे भी रहे हैं, दान दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं और भगवान श्री राम से जुड़ी हुई चीज़ों को यहाँ पर ला रहे हैं।